आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए देश के 11 राज्यों में NIA ने PFI के ठिकानों पर बुधवार देर रात छापेमारी की। ये छापेमारी लगभग रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चली। NIA की इस कार्रवाई में अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहां से कितने गिरफ्तार? UP में 8, केरल में 22, तमिलनाडु में 10, कर्नाटक में 20, आंध्र प्रदेश में 5, दिल्ली में 3, राजस्थान से 2, असम से 3, मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20। गिरफ्तार हुए लोगों में PFI के नेशनल चेयरमैन OMS सलाम और दिल्ली PFI के चीफ परवेज अहमद भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान PFI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलुरु में भी NIA की छापेमारी के खिलाफ PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी नज़र बनाए हुए था। एक्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन सवाल ये उठता है कि PFI पर अचानक ऐसे कार्रवाई क्यों की गई? दरअसल हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रोल कई मामलों में सामने आया, जिसकी जांच NIA पहले से ही कर रही थी। बता दें कि NIA कई राज्यों में बीते कई महीनों से एक्टिव थी। देश भर में हुए NTCAA और NTNRC प्रोटेस्ट में भी PFI की भूमिका सामने आई थी। आपको बता दें कि जांच एजेंसी के मुताबिक PFI संस्था से जुड़े शफीक दारू रहीमा पर भी विदेश से संदिग्ध तरीके से फंड प्राप्त करना और उसको दुरुपयोग करने का आरोप है। जांच एजेंसी द्वारा शफीक दारू रहीमा को केरल के कालीकट इलाके से हिरासत में लिया गया। तो वहीं इस धरपकड़ में PFI के कई बड़े चेहरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कौन है वो चेहरे, आपको बताते हैं। मोहम्मद परवेज अहमद, जो कि PFI दिल्ली के प्रेसिडेंट है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इलियास अहमद, जो कि PFI दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब्दुल मुकुई, जो कि PFI के ऑफिस सेक्रेटरी हैं। PFI को अगर विवाद का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। PFI के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याओं तक के आरोप हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से NIA और ED लगातार अवैधानिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं एक्शन के बाद PFI की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।